के तमाम जितने भी है, हम यही कहना चाहते हैं सभी छात्रों से, झारखंड के जनताओं से, कि 2024 में परिवार जयराम महतो को सीएम बनाए, तभी ये नियम और नीति बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। योगेश भारती पढ़ाई में लग गया, 60-40 का जो नियोजन नीति था, सोच रहा है कि सरकार नहीं हटाएगी हमको, इनको लगने लगा तब से तैयारी में जुट गए कि अगर नौकरी नहीं करेंगे तो जाएंगे हम काला चरा में। अब अंधवारी दिमागे नहीं रहेगा, बोका जैसा, मिनी काड़ा जैसा रहिएगा, मिनी काड़ा खा के तो दिमाग होगा, भोथर जैसा खाली रहेगा, इधर से उधर कर ले चलिएगा ना, कि जैसे आंसू जाइएगा तो आंसू झंडा टांगना जरूरी है, आंसू का नाम लेना जरूरी, बीजेपी में जाइए तो बीजेपी का झंडा टांगना जरूरी है, जेमे में जाइए तो जेमे का टांगना जरूरी है। और हमको अगर प्रतिदिन बोलिएगा कि आप जाइए अथी जमशेदपुर जाइए, अथी में जाइए, सरायकेला खरसावा जाइए, कोडरमा जाइए, गिरिडीह जाइए, तो हम हाथ जोड़ते हैं कि हम ऐसा मेरा से नहीं हो पाएगा। नमस्कार जोहार, नाम है देव महतो, चैनल नाम देव महतो है, आपको पता ही है, और झारखंड का रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, ज्यादातर आंदोलन दिखाता हूँ, झारखंड की ज्वलंत मुद्दों को हमेशा बात रखता हूँ। तो आज भी हमने सोचा कि फिर से एक ज्वलंत मुद्दा के चर्चा किया जाए, हमारे सात व्यक्ति हैं उसको भी लाया जाए और दिखाया जाए। व्यक्ति लोग शांत होते जा रहे थे, लेकिन अब बताते चले कि ये लोग भी शांत नहीं है। आज बात करेंगे योगेश भारती से, आपसे पिछला भी मैं भी वीडियो ले चुका हूँ, बहुत सारा आपका इंटरव्यू ले चुका हूँ, डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास घेराव, चंदा अभियान, विधानसभा घेराव, खाली आंदोलन, खाली मुख्यमंत्री और मूड़ फट तो तोड़ और हमारे और झारखंडी के तो नहीं तो कहीं कूद के गाड़ियों में बैठ जाए, और झारखंडी जो आपको समर्थन देने आता है उन लोग का माथा फूटता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि माथा फूटेगा झारखंडियों की झारखंडियों के यहाँ का अधिकार मिलेगा? देखिए, यहाँ का अधिकार के लिए किसी किसी का जान भी चल जाता है देवदा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी किसी की जान भी चल जाता है। आंदोलन कर रहे गुआ शादी का जान जाएगा कि जो लोग सिपाही है? सिपाही नहीं, किसी का भी जा सकता है, आंदोलनकारी का भी जा सकता है, हम लोग का खुद भी चोट आया था, तो हम लोग किसी के नहीं बोलने गए। कहाँ चोट आया आप नहीं दिखा? अरे तो रहले रहता है, भीतर गुटा मार मिला था, वही बात है, विधानसभा में आप देखे की होंगे, रूम भी देखे होंगे की वहाँ भी अभी तक है ये दवाई। देवेंद्रनाथ मतवार आप जो पट्टी लेके घूम रहे थे 12 बजे रात भी, उसका देखिए की गाड़ी भी खराब हो गया था, आप सोच सकते हैं। तो वो चीज खैर बात की बात होता है, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है और 60-40 जो 72 सांसद विधायक के पूरे 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के धूप में जो छात्र मेहनत करके और जो वो सर्टिफिकेट मिला है, मतलब कि प्राप्त किए हैं 60-40 का विधायक सांसद से समर्थन, वो विधानसभा सत्र में रखना चाहिए, तभी जो है कुछ होगा, अन्यथा तो कैसे होगा। इतना दिन से आप लोग उन लोगों को बताते थे, आज जो उन लोगों को बोलिएगा तब तो मेरा ये इंटरव्यू में। देखिए कल जो है, देखिए आपका फर्स्ट जो है विधानसभा सत्र का शुरुआत आप ही का चैनल से कर रहे हैं और कल से विधानसभा सत्र यानी कि चालू हो गया है, और कहीं ना कहीं हम लोग जो है बात रखेंगे, मुद्दा रखेंगे, और जितने भी है 60-40 को लेकर निश्चिंत हम लोग, जब इतना दूर से जब 6 महीना आंदोलन करते आ रहे हैं तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग का जीत होगा, निश्चिंत जीत होगा देवदा। दादा तो अभी जैसे आंदोलन जेएसएससीयू का आप टी शर्ट छपवाए थे, पूरे झारखंड में जिस तरह से पूरे लोग आप लोग से जुड़े, आप लोग की भावनाओं से जुड़े, सच्चाई है, झूठ नहीं बोलेंगे जी, बिल्कुल सच्चाई, क्योंकि झारखंड लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, जी जी, छात्र लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मुड़ पाक रहा है, जी ठीक है। तो क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं आगे की, क्या रणनीति होगी, कैसे लोगों यहाँ पर रोजी रोजगार नौकरी होगा? नौकरी का जिम्मेवारी तो आप लोग लिए बाबू, क्यों? क्योंकि सरकार अब नहीं ले पाया, आप लोग झारखंड की कहाँ का अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग के अंदर सत्ता नहीं है, आप लोग को महीना पैसा भी नहीं आता है ना, कहीं आप लोग का ये पावर है? देखिए मेन रीजन है दादा कि खुद हम नौकरी करने के लिए यहाँ झारखंड जो पढ़ने के लिए आए हैं। कब आए थे आप यहाँ राष्ट्रीय राजधानी? यहाँ मतलब वही 2013 मतलब 15 में आए हैं यहाँ, 15 यानी 5-3-8 साल हो गया यहाँ, तो करीब यहाँ हम झोला झकड़ गांव से लेकर आए थे, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और अन्य मुद्दों को लेकर नहीं, लेकिन सरकार जो है छात्रों को मजबूर कर दी है चिल्लाने के लिए, तब हम लोग चिल्ला रहे हैं। अगर ये सरकार जब अभी देखिए कैबिनेट में वो मानसून सत्र में ला रहे हैं 1932 और ओबीसी का 27% ला रहे हैं, तब ये चीज पूछना चाहते हैं झारखंड सरकार से कि सभी बहाली के लेने के बाद आप कब लाइएगा, जब बहाली सब एग्जाम सबका हो जाएगा, जब बहाली कीजिएगा उसके बाद लाइएगा, तो सारा एग्जाम को रोक करके और अगर लाते तो सबसे बेहतर होता, तब ना ओबीसी 27% का आरक्षण मिलता, तब नहीं है। वो नहीं सब खेला कर रहा है, देखिए गेम कहीं ना कहीं, हम जब कुर्सी में है सरकारी की बोलेंगे और किसको बोलने जाएंगे, अगर हेमंत माननीय मुख्यमंत्री साहब को और किसको बोलेंगे, कि आपका अगर गांव मतलब मुखिया है पूरा राज्य तो मुखिया का तो अकेले होगा, कैबिनेट में सिग्नेचर मिलेगा तब ना जी।
देखिए आप उस पर डिपेंड करता है, सरकार कैसे बना नहीं बना आप उस पर डिपेंड करता है। माननीय मुख्यमंत्री पास सौंपेंगे, आप उसके अगल बगल इर्द गिर्द है तो उचित नहीं जानेंगे, कहीं भी कुछ घटना होता है तो माननीय मुख्यमंत्री साहब के पुतला फुकाता है, यानी इधर इर्द गिर्द रहता है उन लोग को नहीं फुकाता, क्योंकि इनके रूप में आदमी जानता है, पूरे राज्य इसी आसार विश्वास करके मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी के पास। आप लोग मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनाए, आप तो विधायक बनाया उसको। देखिए कहीं ना कहीं विधायक बनाते हैं तब तो मुख्यमंत्री बनता है आदमी, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन जाता तो है। विधायक लोग ना उसको मुख्यमंत्री बनाया। अरे तो हम ही लोग वोट दिए मुख्यमंत्री, विधायक बनाए तब ना मंत्री बना, आपको वोट नहीं देंगे तो मंत्री कैसे बनेगा। विधायक लोग उसको समर्थन दिया तब ना उसके सरकार, समर्थन तो उसका बहुमत आएगा तब तो हुआ। विधायक लोग समर्थन देगा तब ना कि 60-40 नहीं चलते, 60-40 से दिया है समर्थन दिया है, लेकिन वो विधानसभा सत्र में नहीं रख रहे हैं, इसलिए तमाम जितने भी समर्थन तो हेमंत सोरेन भी दिया है। अरे तो रखेंगे वो, इसीलिए ना बोल रहे हैं, आपके पास बातचीत करने का मकसद यही है कि तमाम जितने भी विधायक सांसद जो दिए हैं लेटर 60-40 लेकर उसको विधानसभा में आप प्रकट कीजिए, रखिए मानसूत। आप लोग कहने जाके वहां दे देते हैं जितना सांसद भैया, सभी काम पास दिया है रविन्द्रनाथ महतो, ढुकने नहीं देता है क्या विधानसभा। देखिये हम लोग का विधायक है क्या वहाँ, सब आदमी केला है क्या, सब आदमी केलाव नहीं है, विधानसभा बनवे क्या कौन जाता है। आप कभी देखे हैं जयराम दा, देखिए इतना झारखंड के अगुवाई कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी वहाँ के अंदर घुसने तो नहीं, सिस्टम के अनुसार से ही होता है, मतलब नेता बनेगा तभी अंदर, नेता बनेगा तभी अंदर घुसने देगा। इसीलिए आपने रामगढ़ चुनाव का नेता बनना चाहे और अंदर घुसना चाहे। देखिए विद्यालय का नियम बनाए, एक बात सुनिए, रामगढ़ उपचुनाव जो एक बहाली के रूप में देखे थे और छात्र का मुद्दा था, वही तो हम बोल रहे हैं, अगर नेता बनते और वहाँ जाके नियम नियमावली चेंज करने के लिए घुसना चाह रहे थे। अरे चांद घुसना नहीं चाह रहे थे, आपको बता रहे हैं कि हमको उस चीज मकसद नहीं था, मकसद था कि सरकार को एक आईना दिखाना था, और ऐसा कुछ नहीं था कि हमको वहां जाना। अभी आज हम मतलब रहते तो पहले से हम नेता ही नहीं अच्छा, करते हैं अभी। अच्छा 2024 में फिर आईना दिखाने का समय आ रहा है, दिखाएगा कि नहीं। बिल्कुल जयराम महतो के माध्यम से उस सीएम के उसको चेहरा दिखा के और पूरे झारखंड के जनता जितना भी है जयराम महतो के चाह रहे हैं। आप देखिए हम भी सपोर्ट में उसका, आप रहेंगे कि नहीं मैदान। हम तो मैदान में रहेंगे ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे। कौन सा विधानसभा रहेगा, विधानसभा देखिए जो है पूरा 2400 जिला रहेगा यहाँ का, 2400 जिला 81 विधायक मंत्री जितने भी है सभी में रहेंगे, सभी में हम सपोर्टर। आप किस में रहेंगे, सब 2400 जिला में पूरे झारखंड में, तो झारखंड में रहेंगे आप। 40 जिला में आप 60-40 सुनिए, 60-40 की लेकर पूरा 2400 जिला में कर रहे हैं, तो हम 2400 जिला में खड़ा। अब इसका मतलब की जेएसएससी भी कैंडिडेट देगी, जेएसएससी कैंडिडेट। देखिये जेएसएससी एक जो है आपको बता रहे हैं, हर एक राज्य का एक स्टूडेंट जो होता है यूनियन होता है, इस ठीक इसी प्रकार झारखंड का एक स्टूडेंट यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन नहीं आंसू पार्टी बन गया जी। अरे तो छात्र का कम मुद्दा उठाता है, कभी उठाए देखें आंसू का, कहने पूछते हैं कभी मिलने के बारे में सुदेश। सुनिए बीजेपी में चलता, आरएसएस चलता है, बजरंग दल चलता है, कभी बजरंग दल कभी खड़ा होता है चुनाव में, आरएसएस कभी खड़ा होता है नहीं, लेकिन सपोर्ट करता है ना। बिल्कुल सपोर्ट करता है, आप सपोर्ट कर ही रहे हैं, सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। आशु सपोर्ट करता है कि नहीं, आशु आज रहता तो चिल्लाता, वो कैबिनेट में शुरू में तो मंत्री भी रह चुके हैं, कौन नहीं रहा है सरकार में जितने भी तमाम जितने भी है। उस टाइम बोले आप, सब टाइम बोले हैं, कम टाइम नहीं बोले, सब टाइम बोले हैं, ए टू जेड टाइम बोले हैं, कब नहीं बोले, सब समय बोले हैं, और जितने भी है। आशु छात्र के हित में नहीं कर रहा था इसीलिए जेएसएससी बनाया। देखिए आसू या जन अन्य जितने भी पार्टी है, आपको बता दें झारखंड में कोई छात्र के हित में चर्चा ही नहीं करता, अगर चर्चा करता तो विधानसभा में जरूर ये 60-40 मतलब नहीं आता और झारखंड के हित में आज होता। आज 23 साल से अलग हुए, अलग हो गया, लेकिन एक भी नियोजन नीति छात्रों के हित में बना नहीं, बना तमाम जितने भी बहाली आता है सभी में पेश फंसता है, क्यों, क्योंकि कोई छात्र के हित में ध्यान ही नहीं देता है, इसलिए फंसता। सोशल मीडिया में ये भी खबर चल रही है कि योगेश भारती पढ़ाई में लग गया, 60-40 का जो नियोजन नीति था सोच रहा है कि सरकार नहीं हटाएगी हमको, इनको लगने लगा तब से तैयारी में जुट गए कि अगर नौकरी नहीं करेंगे तो जाएंगे हम काला चराने, नहीं तो हम मतलब दिन रात मतलब विधानसभा में रहे हैं, तो विधानसभा में रहे, हम तो आवाज शुरू से उठा रहे हैं, शुरू से उठा रहे हैं कि 60-40 नहीं चलता रामगढ़ विधानसभा में, जब से हम उठे तब उससे पहले भी हम आवाज उठा रहे हैं कि 60-40 नहीं चलता, 60-40 नहीं चलता पहले से उठा रहे हैं और अभी भी उठा रहे हैं। और अभी देखिए एग्जाम भी सोशल मीडिया में अभी नहीं दिख रहे हैं, सबको बोल रहा है पढ़ने में लग लिया, चार्ट साट लिया, दिन रात पढ़ रहे हैं, नौकरी का तैयारी में लग गए, बाकी आंदोलन कर रहे हैं और योगेश भारती पढ़ाई में लग गया। आपका वीडियो में एक दो लोग कमेंट किए थे, बाकी लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहे थे कि हम लोग को अगुवाई खुद कर रहे थे और हम लोग अभी आंदोलन करते हैं,
योगेश भारती पढ़ाई में लग गए, नौकरी इस बार तो पक्का ले लेंगे, चाहे चालीस का नियम ये दादा आपको बता रहे हैं। तैयारी भी है, पढ़ने में भी तेज है आदमी। सभी लड़का हम सभी छात्र के हम कभी नहीं बोले कि आप केवल आंदोलन में ही आइए, आंदोलन एक स्टूडेंट है मतलब पढ़ने में के मतलब होता है कि पढ़ो और लड़ो, समझे ना। इसीलिए विनोद बाबू का भी फोटो लगा के आप रूम देखिए। सबसे पहली बात है कि तमाम जितने भी छात्र है राइट इन मतलब राइट रीड इन फाइट, समझे ना, रीड इन फाइट ऑलवेज द ट्रू नॉट रॉन्ग, यानी कि आप पढ़ो और लड़ो और सच के साथ दो, गलत के साथ मत दो। इसलिए तमाम जितने भी छात्र है आप जो है पढ़िए, साथ साथ आपको लड़ना पड़ेगा। एक स्टूडेंट है जब जागेगा तब सवेरा होता है, इसलिए स्टूडेंट का मतलब होता है कि आपको लड़ना पड़ेगा और अपना अधिकार भी लेना पड़ेगा। आप सोचिए कि आंदोलन करके हम सीधा सीधी हम आंदोलन करें और हम केवल मतलब नहीं पढ़ाई करें, तो हम कभी ऐसा नहीं बोले। हम बोले हैं कि पढ़िए और लड़िए भी। जब अभी पेपर लिखो ना दीजिए ना एडमिट कार्ड आप लोग का, जैसे आप सचिवालय भरे हैं और भी फॉर्म भरे हैं जी, उसमें बाहरी का भी दावेदारी रहेगा 60-40 में ही ना ले रहा है। बिल्कुल बाहरी का 100% दावेदारी है और मतलब की है अभी लैब असिस्टेंट तो आप लोग एडमिट कार्ड लेके एग्जाम देने जाइएगा कि एडमिट कार्ड फाड़ने के लिए लाइन में खड़ा रोड। देखिए एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान एक डराने का मौका था बाहरियों को, ताकि डराए ताकि बाहर में झारखंड में ना प्रवेश करे। और एक चीज आपको बता रहे कि एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान ये संवैधानिक रूप से ये गलत है। एक हम छात्र है, एक आतंकवादी नहीं है, और छात्र के हित में जो सही रहेगा। अच्छा अब ये जो इतना बड़ा भाषण दिए थे मतलब समीक्षा बैठक जैसे शिशु का था, तो वो लोग पूरा काम मेरे चैनल में डाले थे, काफी लोग देखे थे, प्रभावित हुए। अगर कोई इस तरह से घटना कोई किसी का एडमिट कार्ड फाड़ देता है बाहरी लोगों का, तो अगर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी या कुछ ऐसे होगी तो फिर दिक्कत में आ सकते हैं। कोई दिक्कत में नहीं आएगा, उसको जब बिहार में फाड़ा जाता था यहाँ भी फाड़ दिया, उसके साथ बगजग होगा तो फाड़वे करेगा, फाड़ेगा ही फाड़ेगा, मेरा साथ करेगा बगजग तो हम ही फाड़ेंगे, समझे ना। ऐसा कुछ नहीं है। और तमाम जितने भी छात्र है आशा विश्वास के साथ लैब असिस्टेंट का भी एग्जाम हो रहा है। आप देख लीजिए कि 75% बाहर ही आ रहे हैं और आपको यकीन नहीं 75% बाहरी, बिल्कुल। आप एग्जाम चल रहा है दादा, आप क्यों नहीं लेने जा रहे? एग्जाम सेंटर में जाइए और दिखाई कि आप कहां से आए हैं। सारा मीडिया बोले ना कि सोया हुआ है, क्या करता है फिर, वही ना बात है। आज एग्जाम सेंटर में दिखाने के जो आंदोलनकारियों को दिखा, खाली किसको दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो सब यही के जनता और सरकार ही जान रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिये इसमें बदलाव चाहते हैं। देखिये तमाम जितने भी है हम यही कहना चाहते हैं सभी छात्रों से, झारखण्ड की जनताओं से, कि 2024 में टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाए तभी ये नियम और नीति बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। क्योंकि सभी विधायक मंत्री लोग यहाँ के तमाम जितने भी है छात्रों को और जनता को, सवाल है आपसे जी, बोलिए। आप बोल रहे हैं टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाए 2024 में, जी जी, सीएम बनाने के लिए पूर्ण बहुमत चाहिए उसके सरकार को, गठबंधन कराना चाहेंगे कि पूरा जयराम महतो का ही टीम का? देखिए जयराम महतो की टीम से नहीं, पूरे झारखंड के तमाम जितने भी अन्य, जैसे यहाँ तो जातिवाद मुद्दा चलता नहीं है झारखंड में, लेकिन उस जाति मुद्दा चलता नहीं, लेकिन कर दिया जाता है जानबूझ के फूट डालने के लिए, फूट डालो शासन करो। हाँ कुछ लोग ऐसे भड़काऊ आदमी करते हैं, तो ऐसा नहीं है झारखण्ड में। तमाम एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं टाइगर जयराम महतो का नेतृत्व चेहरा देख रहे हैं और कहीं ना कहीं सीएम का उसको पास दे रहे हैं, और मतलब सीएम का बना रहे हैं। 60-40 का मुद्दा में बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी निकले हैं जिनका अंदर में भावना था झारखंड के हक के अधिकार के लिए, पूजा महतो, बेबी महतो और एक एक रामगढ़ की लड़की जो हेमंत सोरेन को लेकर बोली थी, इन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिये तमाम जितने भी है एक महिला शिक्षित को जगा रहे तो अच्छा ही कहेंगे और क्या कहेंगे। बुराई तो काम किया नहीं है कि हम बुराई चीज का बोलेंगे, जो बुराई करता है उसके बाद बुराई करना ही जरूरी उचित है। लेकिन चलो उन लोग अभी भी, उन लोग आप 60-40 से निकली लेकिन अभी भी आंदोलन कर रही है, लेकिन आप लोग आप दिखते नहीं है। आप बोलते हैं 60-40 का नारा मेरा है, पूरा झारखंड गूंजा है, उसके बाद कोई और लोग आंदोलन आपके साथ जो नीचे है वो लोग करते हैं और आप है कि पीछे। देखिये जब ढाल विद्रोह चला था 10 साल चला था और जितने भी संस्थान विद्रोह भी चला था, तो कहीं ना कहीं लीड रूप में आदमी करते गया, लीड करते गया, 10 साल चला, 5 साल किया, कोई 2 साल वो किया लीड, 3 साल वो किया। आपके अंदर कुछ ऐसा भावना नहीं ना? देखिए मेरा पास वैसे कुछ भावना नहीं, एक हम छात्र है दादा, और हमको अगर प्रतिदिन बोलिएगा कि आप जाइए जमशेदपुर जाइए, अथी में जाइए, सरायकला खरसावा जाए, कोडरमा जाए, गिरिडीह जाए, हम हाथ जोड़ते हैं कि हम ऐसा मेरा से नहीं हो पाएगा, नहीं होगा जी झारखंड। इसलिए देखिए झारखंड के लिए लड़ना है, जहां तक मेरा कैपेसिटी है, क्या है सर बाकी जनता के पास क्या, मेरा पास भाड़ा रहेगा तब ना जमशेदपुर जाएंगे जी, कोई हमको भाड़ा देगा तब ना जाएंगे। आए मेरा पास खुद यहाँ रहने उन्हें ठिकाना नहीं, किसी तरह हम नौकरी के चक्कर में कि हम चारों तरफ घूमते रहे हैं, यहाँ अपना हम स्ट्रॉन्ग पावर बनाएंगे तब ना, फिर मजबूत करेंगे तब ना ठीक रहेगा। तो आप फिर बोल रहे हैं टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाना है, तो सीएम कैसे बनेगा जब उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई मेरा काफी, क्षेत्र काफी, मीडिया सोशल साइट मेरा काफी है,
गांव जाएंगे, अनपढ़ सब पे मोबाइल नहीं रखता है, 3 करोड़ की जनसंख्या लगाने के लिए जहाँ तक मेरा क्षमता वहाँ तक जाएंगे ना। अब गांव जाएंगे तो अभी एग्जाम चल रहा है, इसलिए शहर में सिटी में एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हम गांव चल जाएंगे। जिस प्रकार 15 दिन में मेरा वोट उतना लाए, ठीक है 15 दिन में लाए, 10 दिन में वोट लाए, बिना खर्चा निःशुल्क लगाए, तो सोच सकते हैं जब आदमी के जगाने जाएंगे। पार्टी ज्वाइन कर लिए थे, कोई पार्टी उठी हम ज्वाइन नहीं किए, पार्टी बताए आज तक से कोई पार्टी का हम नाम नहीं है, कोई आरटी और पार्टी नहीं, पार्टी मेरा पास जवाहर नवोदय तांत्रिक पार्टी ऐसे कुछ था। देखिए नवोदय जनतांत्रिक पार्टी था, लेकिन वो एक मतलब नवोदय से जो प्रोडक्ट निकलते हैं सारे वो स्टूडेंट के पार्टियों के वहां से तो फंडिंग जरूर मिला होगा ना। देखिए फंडिंग जो भी किया था वही किया था, हम एक स्टूडेंट थे, हम पहले भी बोल चुके थे कि हम 1 रुपया खर्चा नहीं कर पाएंगे, अगर जो भी होगा आप ही को सारा चीज करना पड़ेगा, तो वो स्टूडेंट के हित में किए। ऐसा कर रहे हैं कि जब किसी के नाम से किसी के पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे, खर्चा के लिए पैसा नहीं रहता आपके, तो फिर वो अपने पार्टी वाला अपने अनुसार नहीं आपको नचाएगा? कैसे नचाएगा, हमको कहाँ नचा रहा है, अब तो अभी चुनाव जीते नहीं तो कहाँ से नचाता। नहीं नहीं बिना चुनाव जीते वाला के भी बोल के देखिए ना कि पार्टी के नाम रटते रहता है, पार्टी के नाम से दिन रात रटते रहता है, वैसे देखिए मेरा 1 दिन भी उसका नाम लिए एनजीपी पार्टी के नवोदय जनता पार्टी के नहीं नाम लेते हैं। देखिए एक ऐसा ही पार्टी है कि किसी का फोर्स नहीं करता, आप किधरों भी जा सकते हैं, और हमको पार्टी से मतलब नहीं रहता, माटी से जाते हैं मतलब कि किधर जाने का, किधरों भी आदमी जैसे ई जो होता है कि कोई फोर्स नहीं, आप जो मन करता है आपका अनुसार से चलिए स्वतंत्र रूप से, लेकिन एक होता है ना कि जैसे आंसू जाइएगा तो आंसू झंडा टांगना जरूरी है, आंसू का नाम लेना जरूरी है, बीजेपी में जाइए तो बीजेपी का झंडा टांगना जरूरी है, जेमे में जाए तो जेमे का टांगना जरूरी है, लेकिन ऐसा नवोदय में कुछ नहीं है। और ये हमको खुद मेरा पास चल के आए थे कि आप चुनाव लड़िए आपका हेल्प करेंगे, अगर कोई हेल्प कर रहा है तो अच्छा बात है, लेकिन हाँ किसी का आज तक से है, किसी का हम आज तक से नुकसान हम नहीं पहुंचाए हैं, कोई आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाए बड़का दा। ये देख रहे हैं कि हम लोग की एक तरह डिबेट की बात हुई झारखंड की ज्वलंत मुद्दों को लेकर। जी जी बिल्कुल, योगेश भारती ने खुला चीज इन्होंने कह दिया कि मैं अपने स्तर पर जितना आंदोलन कर सकता हूँ उतना करूंगा, लेकिन मैं स्टडी को सबसे बड़ा फर्स्ट पॉइंट में अपना फर्स्ट स्टेप में रखूंगा, दूसरा स्टेप में आंदोलन, यानी पहले पढ़ो दूसरा में लड़ो, पढ़ो और लड़ो, फर्स्ट स्टेज में क्या आता है पढ़ो, सेकंड स्टेज में क्या आता है लड़ो, तो पहले हम पढ़ेंगे ज्ञान प्राप्ति करेंगे तब ना लड़ेंगे हो, सब बताइए। आप कभी भी धन दौलत से भले गरीब हो जाइए लेकिन दिमाग से गरीब मत। टाइगर जेराम तो है कि पहले पढ़े फिर लड़ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, पढ़े तब उसके पास ज्ञान है तब आज लड़ रहे हैं, अब अंधवारे दिमागे नहीं रहेगा, बोका जैसा मिनी काड़ा जैसा रहिएगा, मिनी काड़ा खा खा के तो दिमाग होगा, भोथर जैसा खाली रहेगा, इधर से उधर कर ले चलिएगा, दूसरा के सारा में नाचेगा, तो ऐसा नहीं होगा, अपना माइंड संतुलन कीजिए और अपने हिसाब से चलिए और लोगों को जोड़िए ताकि आपके साथ भी जुड़ेगा, आप खुद अनपढ़ है और लोगों को हुरमुर जैसा बात कीजिएगा तो ऐसा नहीं चलेगा। काफी बातचीत हुई योगेश भारती जो कि झारखंड के रांची राजधानी में पढ़ाई करते हैं और इनसे बातचीत किए, वार्ता किए, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।